फेमस और खूबसूरत एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों काफी चर्चाओं में बनी हुई हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही 4 जून के दिन यामी गौतम शादी के बंधन में बंधी हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ यामी गौतम ने 7 फेरे लिए हैं। ये शादी हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक तरीके से रचाई गई। सोशल मीडिया पर यामी और आदित्य धर की शादी की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं और ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जहां एक ओर इन तस्वीरों में यामी गौतम की खूबसूरती पर फैंस फिदा होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं यामी के अलावा एक और शख्स हैं जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यामी की बहन सुरीली गौतम के बारे में। सुरीली गौतम भी यामी की तरह बेहद खूबसूरत और हॉट है। बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए सुरीली गौतम के बारे में। दरअसल जहां एक ओर यामी गौतम काफी खूबसूरत हैं, तो वहीं उनकी बहन सुरीली गौतम भी काफी खूबसूरत हैं। लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं सुरीली गौतम। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं सुरीली और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें वीडियो शेयर करती हुई देखी जाती हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि यामी की शादी में सुरीली गौतम भी कहर ढाती हुई नजर आई हैं। अपनी बहन यामी की शादी में सुरीली ने सब्यसाची द्वारा डिज़ाइन किया हुआ लहंगा कैरी किया था। पिंक कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं सुरीली और सुरीली की ये तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे सुरीली गौतम को पिंक कलर के लहंगे में वाकई में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और इस लहंगे के साथ उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी और एक बड़ी नोज रिंग भी कैरी की है। वेल, देखा जाए तो सुरीली का ये पहनावा पहाड़ी संस्कृति की झलक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हल्दी सेरेमनी में भी सुरीली ब्लू कलर की बेहद खूबसूरत आउटफिट में नजर आई। वहीं दूसरी ही तरफ मेहंदी फंक्शन में सुरीली काफ़ी खूबसूरत सलवार सूट में नजर आई और जिसके साथ उन्होंने बेहद लाइट ज्वेलरीज कैरी की। वेल, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं और हर कोई सुरीली गौतम के बारे में जानना चाहता है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि सुरीली गौतम भी अपनी बहन यामी गौतम की तरह खूबसूरत हैं और काफ़ी टैलेंटेड भी हैं। सुरीली एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं और साल 2012 में फिल्म पावर कट में नजर आई थी और जल्द ही उनकी दूसरी फिल्म पोस्टी भी रिलीज होने वाली है। इसके अलावा सुरीली टीवी शो मीत मिलादे रब्बा में भी काम कर चुकी हैं। सुरीली गौतम भी अपनी बहन की तरह काफ़ी चर्चा बटोरती हुई नजर आई हैं अपनी खूबसूरती को लेकर। सुरीली गौतम अपनी बहन यामी के साथ 17 साल की उम्र में मुंबई गई थी, लेकिन यामी ने साउथ की फिल्में साइन करना शुरू कर दिया, तो वहीं सुरीली चंडीगढ़ वापस लौट आई थी और अब अपनी बहन की शादी से एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर सुरीली की तगड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है और सोशल मीडिया के जरिए हमेशा ही अपने फैंस को दीवाना करती हुई देखी जाती हैं। वेल, साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहेंगे कि यामी ने साउथ की फिल्म में साइन करना जब शुरू किया था, उस दौरान सुरीली अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट करने के लिए चंडीगढ़ वापस लौटी थी और उसके बाद सुरीली ने टेलीविज़न सीरीज़ में काम किया। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी को सुरीली गौतम के बारे में जानकर कैसा लगा यह बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।